हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने यह जानना चाहा है कि हमारी इंडियन रेलवेज की लंबी दूरी की ट्रेनें हमेशा खचाखच भरी रहती है, फिर भी रेलवे इतने घाटे में क्यों है। दोस्तों, इनका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इंडियन रेलवेज की ट्रेनों में यात्री ठूस ठूस कर भरे होने के बावजूद रेलवे घाटे में क्यों चलती है। दोस्तों, अगर हम बात करें ट्रेन में भीड़ की, तो यह सच है कि ट्रेन में भीड़ बहुत अधिक होती है, लेकिन इनमें से कुछ यात्री तो बिना टिकट होते हैं। मगर जो यात्री टिकट लेकर चलते हैं, तो यहाँ रेलवे का किराया इतना कम होता है कि उससे ट्रेन के चलाने का खर्च भी नहीं निकल पाता। जी हाँ दोस्तों, कुछ ट्रेनों को छोड़कर लगभग सभी ट्रेनों से रेलवे को बहुत कम ही मुनाफा होता है। दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि रेलवे की कमाई सिर्फ गुड्स ट्रेनों से ही होती है, जिससे पैसेंजर ट्रेनों से होने वाले घाटे को भी भरपाई की जाती है। दोस्तों, चूंकि रेलवे को मुनाफा मालगाड़ी से होती है, इसीलिए रेलवे इसका किराया भी ज्यादा रखी है। नतीजा यह होता है कि रेलवे में अपना माल ले जाने वाला व्यक्ति अपना माल रोड वाहन से ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यह ज्यादा सस्ता और सुविधाजनक पड़ता है। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि फिर रेलवे पैसेंजर ट्रेनों का किराया क्यों नहीं बढ़ाती। क्योंकि दोस्तों, अगर पैसेंजर ट्रेन का किराया बढ़ाया जाए तो रेलवे का घाटा खत्म हो जाएगा और रेलवे एक बेहतर सुविधा अपने यात्रियों को देने लगेगी। लेकिन दोस्तों, रेलवे के लिए पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ाना एक टेढ़ी खीर है। सरकार अपने आप पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ाने का हौसला कभी नहीं जुटा पाएगी और अंत में वह प्राइवेटाइजेशन का रास्ता पकड़ेगी, जिसकी की शुरुआत भी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आज के डेट में एक रोडवेज का किराया ट्रेन के किराए से कंपेयर किया जाए, तो रोडवेज का किराया ट्रेन के किराए से कई गुना अधिक होता है, जिसे कि लोग बिना किसी शिकायत के उस किराए को देते हैं। इसी तरह रेलवे के किराए में भी बढ़ोतरी करने पर अगर लोग किराए को देते हैं, तब रेलवे जरूर घाटे से बाहर आएगी। लेकिन दोस्तों, सरकार खुद से ऐसा नहीं कर सकती, यही सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, रेलवे एक सरकारी संस्था के साथ साथ एक सामाजिक संस्था भी है, और यह सत्य है कि यह लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती। लेकिन दोस्तों, इसे इतने घाटे में भी नहीं चलना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।